Hey guys, this is Shashank and welcome back to my channel. I hope you are doing absolutely good. अभी हम लोग आगरा हैं और आज हम लोग आपको आगरा घुमाएंगे और इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि टॉप 5 जगह आप लोग आगरा में क्या क्या घूम सकते हो। मैंने काफ़ी वीडियो सर्च करे यूट्यूब पे, मगर ऐसा कोई भी मेरे को प्रॉपर वीडियो नहीं मिला जो पूरा डिटेल बता रहा है। सो ये 5 जगह जो मैं आपको बताऊँगा ये आप 1 से 2 दिन में घूम सकते हो, 2 दिन में भी घूम सकते हो। आप लोग ऑनलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं, ताजमहल की, रेड फोर्ट की ऑनलाइन बुकिंग होती है, उसका भी लिंक मैं नीचे डालूंगा। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, सो ये वीडियो पूरा देखिए और बने रहिए। सो गाइज, हम लोग भेड़े ही खा रहे हैं, आगरा का फेमस भेड़े, यहाँ का नाश्ता जो है, तो मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कैसा है। आलू की सब्जी है और ये थोड़ा कचौड़ी टाइप कुछ रहता है, थोड़ा स्पाइसी है मगर बहुत अच्छा है, बिल्कुल गरम गरम है। ये कहाँ कहाँ कौन सा एरिया है? प्रतापपुरा। तो ये प्रतापपुरा में है और ऐसा बोल रहा है हमारे ड्राइवर साहब कि आगरा के लोग यही आते हैं ब्रेकफास्ट करने। अगर आप लोग आगरा आ रहे हो तो बेड़ई खाना बिल्कुल नहीं भूलिए। बेड़ई के बाद हम लोगों ने एक लस्सी ली है, आपके सामने फ्रेश लस्सी बनाएगा वो। खाने के लिए तो यूपी जो बोला जाता है कि फेमस है, बिल्कुल करेक्ट बोला जाता है, तो मैं तो बिल्कुल एंजॉय कर रहा हूँ खाना। आप लोग भी आइए तो आप लोग भी खाइए सर। बेड़ई एक प्लेट में 2 पूड़ी आती है, वो 24 रुपये की आती है। ये लस्सी है 60 रुपीज़ की, ये 100 ग्राम मैंने 23 रुपये में ली है, तो 150-200 रुपये में हो जाएगा 2 लोगों का बढ़िया तरीके से और मज़ा आ जाएगा। सो वेलकम टू आगरा। अभी हम लोग अपने होटल पहुंच गए हैं और हम लोगों ने रेडिसन ब्लू बुक कराया है। ताज महोत्सव मुझे लग रहा था कि ख़त्म हो गया है, मगर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, 5 दिन एक्सटेंड हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आज हम लोग ताज महोत्सव जाने वाले हैं, कल हम लोग ताजमहल जाने वाले हैं, आगरा फोर्ट, फिर हम फतेहपुर सीकरी जाने वाले। तो ये जो ब्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं आप लोगों को 5 चीज़ें बताऊँगा जो आप लोग करो अगर आप लोग आगरा आ रहे हो तो। सो गाइज, अभी दोपहर का 3 बज रहा है, हम लोग फ्रेश हो गए हैं, अभी हम लोग निकले हैं, थोड़ा हमने सोचा कि लंच कर लेते हैं। अभी हम लोग चौपाटी आए हैं, यहाँ पर एक नया चौपाटी खुला है मेरे पीछे, आप लोग देख रहे होगे। ये कुछ ज़्यादा टाइम पहले नहीं खुला है, 15 से 20 दिन पहले खुला है। हम देखते हैं अंदर की क्या क्या मिलता है, वेज नॉन वेज दोनों मिलता है। हमने सुना कि काफ़ी अच्छे चाप मिलते हैं यहाँ पर, सो लेट्स सी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर आप लोग आगरा में रहते हैं और आगरा घूमने आ रहे हैं तो आप लोग खाने के लिए आ सकते हैं। काफ़ी वेराइटीज़ ऑफ फूड है, हम लोगों ने सारा कुछ खाया, 1.5 घंटे स्पेंड किया अंदर, बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है उन लोगों ने, बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, वॉशरूम सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो आप ज़रूर आइए अगर आप लोग आ रहे हो तो। जैसे बोलते हैं ना कि ब्रेकफास्ट के लिए बेड़े ही फेमस है आगरा में, अगर आप लोग आगरा आ रहे हो तो चौपाटी भी ज़रूर आओ, क्योंकि रिसेंटली खुला इन फेब 2023, सो यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। सो वेलकम टू मेहताब बाग, हम लोग मेहताब बाग आ चुके हैं और यहाँ पर टिकट लगती है 20 रुपये की पर पर्सन। ये काफ़ी बड़ा पार्क है, यहाँ से पूरा आपको ताजमहल का व्यू दिखेगा। मैं कुछ शॉट्स लूँगा जो यहाँ पर डालूँगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत अमेजिंग व्यू है। अगर आप लोग आ रहे हो तो पहला प्लेस यही होना चाहिए मेहताब बाग। अगर आप लोग मेहताब बाग आ रहे हैं तो सेल्फी स्टिक अलाउड नहीं है, सेल्फी स्टिक अलाउड है अगर आप लोग स्टिक ला रहे हैं तो ओके है, मगर नीचे जो ट्राईपॉड खुलता है ना वो अलाउड नहीं है। बाकी अगर आप लोग ताजमहल भी विज़िट करोगे वहाँ पर भी अलाउड नहीं है। तो आपको अगर आप फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो निकालना चाह रहे हैं, आप ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं तो आप नहीं कर सकते, मतलब स्टिक से तो नहीं कर सकते, आपको हाथ में पकड़ के करना पड़ेगा। और 20 रुपये की टिकट है जैसे मैंने आपको बताया, और दो जगह से आप जा सकते हैं, गार्डन व्यू है, एक रोड व्यू है। यहाँ का गार्डन व्यू है, बहुत ज़बरदस्त गार्डन है, और पीछे मेरे आप देख रहे होगे यहाँ ताजमहल है, बहुत अमेजिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को, इतना प्यारा दिख रहा है, इतना प्यारा तो पास से भी नहीं दिखता है। अगर आप ताजमहल विज़िट करोगे यहाँ से परफेक्ट व्यू है। मेहताब बाग नाम है इस जगह का, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका मैप का लिंक भी डाल दूंगा, तो आप लोग यहाँ ज़रूर आइए, बहुत खूबसूरत है, आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसको ताज व्यू पॉइंट भी बोला जाता है और मेहताब बाग भी बोला जाता है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो कोशिश करें कि 5 के पहले आएँ, क्योंकि 5 के बाद सब लोग सनसेट देखने के चक्कर में यहाँ भीड़ हो जाती है। तो आप लोग पहले आ जाओ और जो भी आपको फ़ोटो क्लिक करनी है आप कर लो, वीडियो बनाना है आप बना लो,
फिर उसके बाद ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो नहीं हो पाता है। तो मैं आपको प्लान बताता हूँ, आप क्या करिए, आप सुबह होटल में चेक इन करिए, फिर फ्रेश होइए, आराम से नहा धो के आप लोग खाना खाने के लिए चौपाटी जाइए, चौपाटी में बढ़िया आराम से खाना खाइए, फिर आप लोग यहाँ पर आइए मेहताब बाग, फिर उसके बाद इत्मादुद्दौला जाइए, फिर उसके बाद चीनी का रोज़ा जाइए आप। तो ये एक डे की आइटनरी है जो आप लोग कर सकते हो। सनराइज़ पे जो है वो ताज विज़िट करो आप लोग, ताजमहल, और सनसेट पे आप लोग मेहताब बाग आओ, तो दोनों का अलग अलग एक व्यू है, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। क्योंकि सनसेट पे ताजमहल विज़िट करने का मतलब नहीं है क्योंकि फ़ोटो नहीं आता है, सनराइज़ पे आप लोग विज़िट करोगे तो बहुत अमेजिंग फ़ोटोज़ आती हैं। सो गाइज़, अभी हम लोग ताज महोत्सव देखने आए, काफ़ी रश है यहाँ पर, आज सैटरडे का दिन है, काफ़ी रश है और बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। अभी देखते हैं हम लोग कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, सुना है बहुत बड़ा मेला होता है, मुझे तो आइडिया नहीं है, अभी देखते हैं कि अंदर जाके कि कैसा एक्सपीरियंस होता है और आप लोगों को भी दिखाते हैं, तो ये ज़रूर देखिए आप पूरा। तो अभी हम लोग अंदर आ गए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 20 रुपये की टिकट ली थी हमने, बाकी अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्राफ्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें लोकल लोगों के लिए बेसिकली, मगर फॉरेनर्स बहुत सारे हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, तो आप लोग भी आ सकते हो। वैसे तो जब ताज महोत्सव लगता है वो कुछ पर्टिकुलर डेट के लिए लगता है, वो नीचे स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके। बाकी लेट्स सी, एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आया, ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर जो आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेंगी, क्योंकि आसपास गांव से सारे छोटे छोटे कारीगर आते हैं, वो अपनी सारी चीज़ें लेके आते हैं और बहुत रीज़नेबल है, बहुत अच्छा प्राइस है। अगर आप लोग होली के 15-20 दिन पहले आ रहे हैं आगरा, तो आप लोग ये महोत्सव ज़रूर जाइए, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कांच की चीज़ें, लकड़ी की चीज़ें, सारी चीज़ें हैं, खाना भी बहुत अमेजिंग है। मगर हम लोगों को बहुत मज़ा आया, बहुत शॉपिंग करी, बहुत टायर्ड हो गए, गुड नाइट, बाय बाय। चैनल बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सब लोगों को फ्रॉम आगरा, अभी हम लोग ताजमहल जा रहे हैं। सो गाइज, अभी हम लोग ताजमहल पहुंच गए और हम लोगों ने गाइड लिया है, यहाँ का गाइड का नॉर्मल चार्ज आप स्क्रीन पे देख रहे होगे 475 होता है, वैसे हम लोगों ने 400 रुपये में लिया। सो गाइज, दिस इज़ द मेन गेट जहाँ से सारे राजा लोग एंट्री करते थे, 109 फीट की हाइट है, 92 फीट की चौड़ाई है। ऊपर जो डोम देख रहे हैं आपको, दैट इज़ 11, उसके पीछे 11 है, तो 22 साल बने थे इसको कंप्लीट होने में, तो वहाँ पर उस टाइम कोई घड़ी नहीं हुआ करती थी, एक साल होता था तो एक डोम बनाते थे, ऐसे 22 हैं, तो 22 साल में इसको कंप्लीट किया गया है। अभी देखने में काफ़ी नज़दीक लग रहा है आपको? हाँ, अभी तो बिल्कुल सामने ही लग रहा है, ईस्ट वेस्ट और साउथ तीन गेट हैं यहाँ पर, हम लोगों ने ईस्ट गेट से एंट्री करी है। फोटोग्राफी इज़ अलाउड, वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। बाकी मेरे पीछे जो है वो यमुना रिवर है, उसके पीछे जो है वो मेहताब बाग है जो मैं ऑलरेडी विज़िट कर चुका हूँ। काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को, काफ़ी एक्साइटिंग था, बहुत अमेजिंग है अंदर, ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा आर्किटेक्चर है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे वर्ल्ड में, इसलिए उसको 7 वंडर बोला जाता है। सो अगर आप लोग आगरा आ रहे हो तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें, बहुत अमेजिंग है, और यहाँ पर टॉयलेट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, अंदर बहुत अच्छा टॉयलेट बनाया हुआ है। थोड़ा टिकट महंगा कर दिया है 2018 से, थोड़ा ज़्यादा महंगा कर दिया है, 250 रुपये का कर दिया है, मगर फैसिलिटीज़ काफ़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग को व्हीलचेयर चाहिए तो यू विल गेट व्हीलचेयर ऑल्सो, दो टाइप का व्हीलचेयर मिलता है, अगर आप लोग बाहर से लेते हैं तो 500-600 रुपये लेंगे, उसके साथ एक बंदा देंगे, अगर आप मेन गेट पर आएंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, मगर वो बंदा नहीं देंगे, तो वो डिपेंड करता है, अगर आपके पास बंदा है तो यू कैन टेक फ्री ऑफ कॉस्ट। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, अभी हम आए हैं आगरा फोर्ट देखने के लिए, तो यहाँ पर जो टिकट है आप लोग कोशिश करिए कि ऑनलाइन करके आइए,
यहाँ पर काफ़ी लाइन होती है टिकट के लिए। अगर अगर आप लोग आपका बैग लेके आ रहे हैं तो 7 kg का बैग इज़ अलाउड, 7 kg का बैग आप लोग ला सकते हैं। क्लॉक रूम बना हुआ है यहाँ पर, काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। अगर आप लोग को गाइड लेना है तो आप गाइड भी ले सकते हो, 1450 rupees बता रहा है, मगर आप काफ़ी बार्गेन कर सकते हो तो आप लोग ले सकते। 75% ऑफ द फोर्ट इज़ क्लोज, 25% ही खुला हुआ है टूरिस्ट के लिए। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको इसमें बता दूंगा, तो आप ये पूरा देखिएगा। Guys, I will make a separate dedicated video about Agra Fort, which will be in detail. So do subscribe my channel and press bell icon to get notified. So guys, अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, आगरा से हम लोग फतेहपुर जा रहे हैं। यहाँ से कुछ 40 kilometers के अराउंड है, हमें 1 hour लगेगा। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि टॉप 5 ज़रूर विज़िट करें, तो ये 5वीं जगह है उसमें से। बाकी ये है कि जो आगरा फोर्ट है वो 75% क्लोज्ड है, 25% ही खुला है, मगर ऐसा फतेहपुर सीकरी में नहीं है, वो पूरा खुला हुआ है, बहुत बड़ा है वो। तो गाइज अभी हम लोग फतेहपुर सीकरी पहुँच गए हैं, अभी हम 4:30 बज रहा है तो थोड़ा सनडाउन है, तो टेम्परेचर अच्छा है यहाँ पर। अभी क्या है कि फतेहपुर एक अलग जगह है, सीकरी एक अलग जगह है, तो हम लोग दोनों जगह विजिट करने वाले हैं। तो गाइज अभी हम लोग एक बस में हैं। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि आप लोग प्राइवेट व्हीकल से नहीं जा सकते ऊपर तक, यू हैव टू टेक अ बस। यहाँ पर CNG बसेस चलती हैं, तो यहाँ पर जो टिकट है वो 30 rupees है पर पर्सन आने जाने की। तो आपको पार्किंग में कार खड़ी करनी पड़ेगी, जो भी आप गाड़ी से आ रहे हैं यहाँ से, फिर आपको एक टिकट लेना पड़ेगा, देन यू विल गो, आपको फिर वहाँ ऊपर तक बस से ही जाना पड़ेगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक। मैं फतेहपुर सीकरी के लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, सो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें टू गेट नोटिफाइड। पर हम लोगों ने काफ़ी घूमा, हमारे पैर दुखने लगे, बहुत मतलब आर्टिस्टिक था मुगल एम्परर्स, बहुत ज़बरदस्त बनाया है। जो बुलंद दरवाज़ा है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, 170-180 feet की ऊँचाई है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, बहुत अमेजिंग है। हम लोगों ने चादर भी चढ़ाई, आप लोग भी चढ़ा सकते हैं, अगर आप लोगों को कोई मन्नत मांगनी है तो आप लोग वो भी मांग सकते हैं, पर बंदा 3 मन्नत। सो हम लोगों ने भी वो किया, और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी मन्नत पूरी हो रही है तो यू हैव टू कम हियर और आपको यहाँ पर आके वो धागा खोलना है, आप गरीब लोगों को भी खाना खिला सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि 3-4 बजे के बाद आइए, क्योंकि यहाँ ठंडा हो जाता है और घूमने में बहुत मज़ा आता है। एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर, बाय बाय। सो गाइस अभी हम लोग चाट खाने आए, जो UP का फेमस माना जाता है। हम लोग सदर बाज़ार आए, ऐसा बोल रहे थे कि 10 बजे बंद हो जाता है। आलू टिक्की तेल बहुत ज़्यादा दे दे जो भी मतलब जबरदस्त है, 4 वेरी नाइस। अगर आप लोग आ रहे हो तो आप लोग आगरा चाट हाउस का आलू टिक्की जरूर खाओ। सो गाइस हमारा अभी हो गया है सदर बाजार में खाना, काफी बढ़िया एक्सपीरियंस था, मज़ा आया, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर खाने के लिए, पिज़्ज़ा से लेके पास्ता से लेके बर्गर से लेके 2-3 मास्टर शेफ़ वाले बैठे हुए हैं वहाँ पर। सो काफ़ी अच्छा है। आप लोगों को लगता है कि 10 बजे आगरा बंद हो जाता है तो आप लोगों को गलत फहमी है, सो ये 11-12, 11:30 बजे तक चलता है, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं खाने के लिए, आइसक्रीम भी बहुत सारी है, कुल्फ़ी, फालूदा, एवरीथिंग यू विल गेट, एवरीथिंग इज़ देयर। सो आप इसको अगर आप आ रहे हो तो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो और प्रॉपरली एक्सप्लोर करो, और बहुत अच्छा खाना मिलेगा आपको, अच्छा चाट मिलेगा, आगरा चाट वाला भी है, हमने पानी पूरी खाई, उसका चाट खाया, हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने चाप खाया, चाप इज़ ऑल्सो देयर, चाप बहुत अच्छा है यहाँ पर। सो दिस इज़ इट गाइज, एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आई एम गोइंग बैक, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर, बाय बाय, गुड नाइट।